तो चलिए आज मैं आपको डोमिनो स्टाइल गार्लिक ब्रेड स्टिक की रेसिपी देने वाली हूँ। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये कितनी यम्मी और ज़बरदस्त सी गार्लिक ब्रेड स्टिक हमारी बनी है। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए हम लोग रेसिपी की तरफ चलते हैं। सो यहाँ पे मैंने ये हाफ कप दूध लिया है। दूध जो है वो हल्का गर्म है, ल्यूक वार्म है। सो इस पे मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून भरकर एक्टिव ईस्ट डाली है और ये 1 टीस्पून मैंने शुगर डाला है। अब आप इसे मिला लें और इसे एक्टिव होने के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ दें। सो हमारी जो ईस्ट है वो शुगर खाकर ही फर्मेंट होती है, एक्टिव होती है। सो यहाँ पे हमारी जो ईस्ट है वो फर्मेंट हो चुकी है, बहुत अच्छे से फर्मेंट हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर बहुत सारे बबल्स बने हैं। इसे ये पता चलता है कि हमारी जो ईस्ट है वो एक्टिव है। सो अगर ऐसा नहीं होता तो प्लीज़ आप अपनी रेसिपी को कंटिन्यू मत करना। सो यहाँ पर मैंने पिंच ऑफ सॉल्ट डाला है और ये 1/2 टीस्पून मैंने पिज़्ज़ा मिक्स डाली है और ये 1 टेबलस्पून भरकर मैंने चॉप्ड गार्लिक डाली है। सो आप इसे मिला लें और इस पे यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा लिया है, फ्लार लिया है। आप इसे मिलाकर एक अच्छा सा सॉफ्ट सा डो बना दें। अगर आपको डो बनाने के लिए और एडिशनल दूध की ज़रूरत पड़ी है तो आप उसे ज़रूर मिला लें। और दूध जो होना चाहिए वो आपका हल्का गुनगुना होना चाहिए और जो डो होगा वो आपका सॉफ्ट होगा। तो अगर आपकी जो डो है वो स्टिकी हो जाए तो आप इसमें हल्की सी ऑयल ग्रीस कर लें ऊपर से और अंदर की तरफ टक कर इसे ढककर अच्छे से 2 घंटे के लिए छोड़ दें। सो ये 2 घंटे हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी जो डो है वो बहुत अच्छे से फर्मेंट हो चुकी है, खमीर हो चुकी है और साइज़ में काफ़ी डबल हो चुकी थी। सो आपको इसे अच्छे से नीड कर लेना है। सो यहाँ पर मैंने नीड कर ली है। अब मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून भरकर बटर लिया है। ये सॉल्टेड बटर है और रूम टेम्परेचर पे है। इस पर मैं 2 टेबलस्पून भरकर चॉप्ड गार्लिक डाल रही हूँ और ये मेरे पास में थोड़ी सी सिलेंट्रो है, यानी कि कोरिएंडर लीव्स, मैं वो डाल रही हूँ। अब आप इसे मिक्स कर लें और मिक्स करके एक साइड पे हटा लें। तो यहाँ पे मैंने एक रोलिंग बोर्ड लिया है और उस पर मैंने थोड़ी सी सूखा मैदा छिड़क दिया है ताकि हमारा जो डो है वो उसे चिपके ना, और उस पर एक थिक चपाती रोल कर ली है। सो आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं। सो इतनी ही इसकी थिकनेस होनी चाहिए। अब हमें इसे फ़ौरन ही अपने बेकिंग ट्रे पे ट्रांसफ़र कर लेना है। मेरे पास में बेकिंग ट्रे जो है वो छोटी है, अगर आपके पास बड़ी है तो बहुत अच्छा है, आप उसे यूज़ कर लें। और उसके आधे हिस्से पे हमें हमारा जो बटर का मिक्सचर है वो अच्छे से अप्लाई कर लें। जो बटर का मिक्सचर है आप थोड़ा जेनरसली अप्लाई करें, वैसे भी कौन रोज़ रोज़ गार्लिक ब्रेड खाता है। सो उस बटर का मिक्सचर मैंने हाफ ऑफ द पोशन पे स्प्रेड कर लिए, अच्छे से ब्रश ऑफ कर लिए। उस पर मैंने डाली है मोज़रेला चीज़ और उसके ऊपर मैं पिज़्ज़ा मिक्स और थोड़ी सी डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स। अब हमें इसे फ्लिप कर देना है और फ्लिप करके इसकी जो एजेस है वो अच्छे से सील कर देनी है। इसके एजेस आप बहुत अच्छे से सील करें, वरना समटाइम्स ये होता है कि बेक करते वक्त आपकी जो एजेस है वो खुल सकती है और आपकी जो चीज़ है वो मेल्ट होकर बाहर आ सकती है। सो आप ये बिल्कुल ध्यान रखें कि आपकी जो एजेस है वह बहुत अच्छे से सील हो चुकी है। अब उसके ऊपर हमें जो हमारा बटर का जो मिक्सचर है वो उसके ऊपर में अच्छे से अप्लाई कर देनी है, जो बची हुई थी हमारे पास में। सो हमने इस पे अच्छे से बटर अप्लाई कर दी है। अब उस पे हम डालेंगे, अब हम लोग इस पे थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डालेंगे और उसके बाद थोड़ी से पिज़्ज़ा मिक्स, अगर आपके पास में मिक्स हर्ब्स है तो आप वो ज़रूर डालें। सो ये देखिए हमारी जो डोमिनो स्टाइल गार्लिक ब्रेड है वो बेक होने के लिए बिल्कुल रेडी है। सो एंड पे आपको ये करना है कि अब हमें इस पर थोड़ी सी कट्स डालनी है। सो हल्के हाथ से आप इस पर कट्स डालें, बहुत डीप कट्स आपको इस पर डालने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग को बस हल्के हाथ से ही इस पर सिर्फ एक मार्क्स बना देनी है ब्रेड स्टिक के लिए। सो ये हमारी डोमिनो स्टाइल गार्लिक ब्रेड स्टिक बेक होने के लिए बिल्कुल तैयार है। सो हम लोग इसे 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। सो यहाँ हमारी जो ब्रेड स्टिक है वो बिल्कुल रेडी है, गार्लिक ब्रेड स्टिक। अब हमें इसके जो मार्क्स हम लोगों ने बनाए थे उस पर आप एक बार अच्छे से चाकू फेर लें और ये देखिए हमारी गार्लिक ब्रेड स्टिक सुपर यमी रेडी है। सो डू गिव अ ट्राई एंड लेट मी नो कमेंट सेक्शन में कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।